केदारनाथ मंदिर के दोनों तरफ नदी में पानी उफान पर है और गौरीकुंड में भी पानी से तबाही मची हुई है। कुमाऊं मंडल में स्कूल 3 दिन तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। चमोली की बात करें तो रेस्क्यू में लगा एक हेलीकॉप्टर अलकनंदा नदी में डूब गया है। तबाही चौतरफा है, लोग परेशानी में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है लेकिन सड़कें पूरी तरह से बंद हैं तो यातायात में दिक्कतें आ रही हैं। चमोली में तो हेलीकॉप्टर डूबने की भी खबर है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया है, किस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब हो गए हैं। देखते हैं देहरादून से हमारी संवाददाता मीरा रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर रख दिया है। मैदानी इलाकों में जहां जलभराव हो गया है, वहीं पहाड़ों में चल रही तीर्थ यात्रा पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। अभी भी उत्तरकाशी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। वहीं केदार घाटी और उत्तरकाशी में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। शासन की तरफ से बचाव एवं राहत कार्य किए जा रहे हैं लेकिन प्रकृति के इस तांडव के आगे ये फिलहाल बने साबित हो रहे हैं। देहरादून से इंडिया न्यूज के लिए मीरा रावत। टिहरी के धनौल्टी इलाके में बादल फटने की खबर है। डूडा गांव में बादल फटने से 50 लोग फंसे हुए हैं जबकि ततूर गांव में भी बादल फटा है। प्रशासन है राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है लेकिन अभी काफी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। तबाही के मंजर को इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप और अंदाजा लगा सकते हैं आखिर किस कदर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई होंगी उत्तराखंड में। जगह जगह इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले 5 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरह बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगह बादल फटे हैं, हजारों यात्री फंस गए हैं। चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो 28,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। आम हो या खास, हर किसी पर इस तबाही का असर देखने को मिल रहा है। ये 2 तस्वीरें मसूरी में, एक तरफ बादल फटने की तस्वीरें देखिए, वहीं दूसरी तरफ किस तरह से तहस नहस हो गई है तमाम जगह उत्तराखंड की। ये तबाही का मंजर है जहां घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कवायद प्रशासन की तरफ से भी जारी है लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर वो करें तो करें क्या। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते भागीरथी और गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। बाढ़ का पानी मकानों की दहलीज तक पहुंच गया, लोगों को डुबाने पर तुला हुआ है। लोग अपने घरों में ही बुरी तरह से फंस गए हैं। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। जिस रफ्तार के साथ भागीरथी का पानी बह रहा है उसे देखकर दिल बार बार यही कह रहा है कि ये घर अब बहा तब बहा। जरा देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के संगम चट्टी इलाके की हैं। नदी की धारा के साथ सटकर बने इस घर में रहने वालों के लिए मानसून आफत बनकर आया है। लगातार हो रही बारिश के चलते भागीरथी पूरे उफान पर है। भारी बारिश के चलते भागीरथी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अचानक आई इस आफत ने इस घर में रहने वालों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। लोग भीतर ही फंस कर रह गए हैं। देखिए जरा, घर की बालकनी में खड़ी ये महिलाएं अब मदद की आस में नजरें इधर उधर दौड़ा रही हैं, लेकिन चारों ओर सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आ रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब ये कुदरत की इस तबाही से अपनी जान कैसे बचाएं। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी दिख रहा है। लहरों का शोर और उनकी रफ्तार देख लोगों की सांसें थम गई हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। गिरीश गैरोला, उत्तरकाशी, इंडिया न्यूज।
उत्तरकाशी में आई बाढ़ ने गंगोत्री हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह कर दिया। हजारों लोग नेशनल हाईवे पर फंस गए। वहीं कई गांव ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के बाकी हिस्से से कट गए हैं। इस तस्वीर को देखकर आपके शरीर में झुरझुरी फैल गई होगी, सांसें अटक गई होंगी। जिस सड़क पर थोड़ी देर पहले गाड़ियां पर्राटा भर रही थी, वो सड़क अब असी गंगा की धारा में समा चुकी है। अब जरा हाथ में छतरी था मैं इस शख्स को देखिए। इसे सड़क के उस छोर पर जाना था, लेकिन जिस सड़क से होकर जाना था अब उसका नामो निशान ही नहीं है। पूरी सड़क असी गंगा की धारा ने काट दी है। इस शख्स को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। संगम चट्टी इलाके में गंगोत्री राजमार्ग की ये सड़क 7 गांवों को जोड़ती है, लेकिन रबाड़ा इलाके से थोड़ा आगे ये सड़क अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस सड़क के नदी की धारा में बह जाने से डिगला, संगम चट्टी और सेकू गांव सहित 4 और गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा है। सुना आपने, गंगोत्री राजमार्ग के इस हिस्से के टूट जाने से हजारों लोग इस रास्ते में फंस गए हैं। गिरीश गैरोला, उत्तरकाशी, इंडिया न्यूज। हृदय सहम जाता है इन तस्वीरों को देखकर। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वहां के लोगों की हालत क्या होगी, क्योंकि कुदरत का सबसे बड़ा कहर उत्तराखंड पर टूटा है। यहां गंगा उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो अपनी जान बचाने के लिए महफूज इलाके की तरफ चले जाएं। उत्तरकाशी में कुदरत का कहर, मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, पानी के प्रकोप से मचा हाहाकार। उत्तरकाशी में पानी से हाहाकार मचा है। मकान बह गए, ट्रक बह गए, जेसीबी मशीनें भी तैरने लगी। क्रेन पानी में बहकर कहां से कहां पहुंच गई। जब सैकड़ों टन वजन की मशीनों का ये हाल है, तो जरा सोचिए इंसान का क्या हाल हो रहा होगा। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में भारी बारिश की वजह से मकान टूटने से हुए हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पिछले 40 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा और भागीरथी में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तबाही का ऐसा सैलाब आया है कि कई जगहों पर बनाई गई सुरक्षा की दीवारें बह गई। नदियों के तटों की सुरक्षा में लगी मशीनें कई किलोमीटर बह गई। जरा गौर से देखिए बाढ़ में बहे इस ट्रक का क्या हाल हुआ है। अब देखिए बाढ़ ने इस क्रेन का क्या हश्र किया है। इतनी भारी भरकम मशीन को पानी कागज के नाव की तरह बहा रहा है। अब देखिए तिलोद पुल का एक हिस्सा पानी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आवाजाही बंद कर दी गई है। बस्तियों का भी यही हाल है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। गंगा में भी कई जगह पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए संवेदनशील जगहों को खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। कई जगहों पर गंगोत्री राजमार्ग बंद है, जिसके चलते प्रशासन ने सैलानियों को अपनी जगहों पर ही रुके रहने के लिए कहा है। देहरादून में आई बाढ़ का असर दिल्ली तक में हो सकता है। देहरादून के विकास नगर के डाक पत्थर बैराज से 1,00,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गिरीश गैरोला, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। और इन तस्वीरों को देखने भर से समझ में आ जाता है कि लोगों की मुश्किलें किस कदर यहां बढ़ गई होंगी। लेकिन केवल इंसान ही नहीं, उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने भगवान के लिए भी संकट खड़ा कर दिया है। उफनती लहरें भगवान शिव के मंदिर को निगल जाना चाहती हैं। कुदरत का ऐसा कहर पहले कभी नहीं देखा गया। पहले आसमान गरजा और फिर इस कदर टूट कर बारिश हुई कि भागीरथी नदी तर बतर हो गई। भागीरथी की भड़कती लहरों के आगे मकान तो मकान,
मंदिर भी पानी मांगने लगे। अब इस मंदिर का ही हाल देख लीजिए, मंदिर का पूरा हिस्सा ही नदी के आगोश में समा गया है, बस छत ही बची है। लेकिन जिस तरह से लहरें बौरा रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब न तब ये मंदिर भी भागीरथी नदी में डुबकी लगाने लगेगा। मंदिर के बिल्कुल बगल में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, नदी की लहरें मूर्ति को भी छूने को लपलपा रही हैं। भगवान भोले निर्विकार भाव से कुदरत के इस कहर को देखते नजर आ रहे हैं। ये उत्तरकाशी बाजार के मणिकर्णिका घाट का हाल है, जहाँ के भगवान शिव के मंदिर को भागीरथी नदी ने चारों तरफ से घेर लिया है। जब बाढ़ के कहर से भगवान ही नहीं बच पा रहे हैं तो इंसान की क्या बिसात। गिरीश गैरोला, उत्तरकाशी, इंडिया न्यूज। तो केवल इंसान ही नहीं, भगवान की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कितना तेज बहाव, क्योंकि अगर उसमें गाड़ी, क्रेन मशीन या फिर जेसीबी मशीन बह रही है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों के लिए इसमें बचना कितना मुश्किल होगा। इस तेज बहाव के साथ ही कई लोगों के मरने की खबर है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी केवल 20 लोगों का किया गया है। हजारों यात्री फंस गए हैं। चारधाम यात्रा पर जो लोग गए थे वहां यात्रा रोक दी गई है। जो अभी तक खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये कि 28,000 से ज्यादा यात्री हैं जो फंसे हुए हैं, क्योंकि तबाही जिस तरह से मची हुई है ऐसे में जान का जोखिम पल पल बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है यहाँ रहने वाले लोगों को कि आप सुरक्षित स्थान पर पलायन करें। लेकिन लोगों के लिए समस्या ये बनी हुई है कि लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। और इस पर अपडेट के लिए रुक करेंगे, हमारी संवाददाता मीरा रावत हमारे साथ जुड़ गई है। मीरा, ताजा जानकारी अब क्या कुछ मिल पा रही है, क्योंकि रात बचाव कार्य प्रशासन की तरफ से किया जा रहा था लेकिन तमाम दिक्कतें आ रही थी, फिलहाल ताजा हालात क्या है? जी रचना, बिल्कुल, देखिए अभी भी जो यात्री हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। काफी हजारों की संख्या में ये यात्री, खासतौर पर उत्तरकाशी और चमोली बद्रीनाथ जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री भी गोविंद घाट में वहां पर फंसे हुए हैं। और वहां पर जितनी गाड़ियां थी गोविंद घाट में जो पर्यटक अपने साथ लाए थे वो भी जो है पानी के बहाव में बह गई है, कुछ गाड़ियां बह गई हैं और कुछ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी यात्री फंसे हुए हैं रास्तों में उनको हेलीकॉप्टर की मदद से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर निजी कंपनियां हैं जो अपनी सेवाएं यहाँ पर देती है हेलीकॉप्टर की, उनको भी कहा गया है कि वो भी अपने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएं और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और अभी सचिवालय में मुख्यमंत्री खुद पूरे मंत्रिमंडल के साथ कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और इस पर भी आपदा को लेकर चर्चा हो रही है। और ये कहा जा रहा है शासन की तरफ से कि जल्दी से जल्दी जो यात्री हैं उनको सुरक्षित निकालने की। अगर बात करें, हर साल इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, इसी तरह से लोगों पर कहर टूटता है, लेकिन जब मौसम की जानकार ये पहले ही अंदेशा जता चुके थे कि इस तरह की संभावना हो सकती है, इस तरह का कहर बरस सकता है लोगों पर, तो पहले ही इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अब जब तबाही मच चुकी है उसके बाद बैठकें चल रही हैं, अब ये आग्रह किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थान पर जाएं या फिर अब हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था हो रही है, ये व्यवस्था तो पहले भी की जा सकती थी। जी रचना, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि ये व्यवस्थाएं पहले भी की जा सकती थी और वो भी तब जब मौसम विभाग पहले ही इस तरह का अलर्ट जारी कर चुका था कि प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन आपदा जो विभाग यहाँ पर है, एक अलग से आपदा प्रबंधन विभाग यहाँ पर बनाया गया है, वो अभी तक सोया रहा और अब जाकर जब इतनी बड़ी तबाही सामने आई है अब जाकर वो कुछ हरकत में आया है। रचना, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपदा प्रबंधन तंत्र के नाम पर उत्तराखंड सरकार के पास कुछ भी नहीं है, जो जिलाधिकारी है उनको ही दुखद लगता है मीरा कि पहले इस तरह से तबाही का इंतजार किया जाता है और जब दिखता है कि हाथ से निकल चुकी है सिचुएशन, उस वक्त ये बैठकें होती है, उस वक्त ये कोशिशें की जाती है, केवल औपचारिकता भर की जाती है और अभी वही सरकार भी कर रही है। शुक्रिया मीरा इस तमाम बातचीत के लिए आपका। ऐसे उत्तराखंड में बाढ़ से चौतरफा तबाही मची है। भारी बारिश से चारधाम यात्रा के रास्ते बंद होने से उत्तरकाशी और चमोली में करीब 25,000 यात्री जहां तहां फंस गए हैं। परिवार के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा पर उत्तराखंड के एक क्रिकेटर हरभजन सिंह भी जोशीमठ में फंसे हुए हैं। सड़क टूटने की वजह से अगले 48 घंटे तक उनके जोशीमठ के आईटीबीपी कैंप में ही रहने की संभावना है। और इसी बीच देहरादून में बारिश 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां अब तक 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि 1925 में 188 मिलीमीटर बारिश हुई थी।
इस बीच प्रेमनगर इलाके में एक कच्चे मकान के गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा दी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां तपती गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिली है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने दिल्ली के मौसम को सुहाना बना दिया है। इंडिया गेट पर लोग सुबह से ही मौसम के बदले मिजाज का मजा लेने के लिए जमा हो गए। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी बारिश के बाद बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए इंडिया गेट पर पहुंचे हुए हैं। कई दिनों पहले मानसून ने दस्तक की है, इस मानसून के दस्तक से कहीं न कहीं लोगों को राहत हुई है। तमाम लोग इंडिया गेट पर मौज मस्ती करने आए हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये खुशनुमा मौसम में मिजाज में क्या कुछ करने आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम में? मेरा नाम संदीप है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। ये मेरे बीवी और 2 बच्चे हैं, हम लोग 4 धाम यात्रा के लिए आए हैं और अभी दिल्ली देखने आए हैं। मौसम के बारे में क्या कहेंगे, जो तपती गर्मी थी उसके बाद से जो निजात मिली है बारिश से, उसमें क्या कहेंगे आप? वैसे अभी तो फिलहाल आज का मौसम अच्छा है, लेकिन जब हम केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे वहाँ पर काफी मुश्किल हुआ था। केदारनाथ बद्रीनाथ गए हुए थे, यहाँ पे इनके साथ हम इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस खुशनुमा मौसम पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ करने का मन करता है इस खुशनुमा मौसम में? बच्चों को तो खेलने का मन बहुत करता है, यहाँ के मौसम में बहुत देर बैठने का मन करता है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमको भाग दौड़ करना पड़ेगा। यानी वेदर काफी खुशनुमा है, एंजॉय करना चाहते हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या खेलने का मन करता है इस खुशनुमा मौसम में आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं वेदर बहुत ही कूल हुआ है बारिश के बाद। हम बस ग्रीनरी एंजॉय करना चाहेंगे, यहाँ से वहाँ दौड़ना चाहेंगे और कुछ नहीं। बच्चे यहाँ दौड़ना और एंजॉय करना चाहेंगे, साफ उनका यही कहना है कि इस बदलते मौसम में वो अपने एंजॉय करना चाहते हैं इस छुट्टियों को, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं गिरने का पूरा मजा ले सके। साथ ही साथ मौसम विभाग की यह भी चेतावनी है कि 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन भी हो सकता है, और मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 24 घंटे बाद से बारिश तम कर बरसेगी और इससे कहीं न कहीं गर्मी से निजात मिलती रही। कैमरामैन अमित के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो मौसम सुहाना हो गया है, एनसीआर में बारिश से ये मौसम सुहाना हुआ है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग जगह जगह से पहुंच भी रहे हैं। हम आपको दिल्ली के इंडिया गेट और गाजियाबाद की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगह पानी सड़कों पर भर गया है, जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, तो लोगों को कुछ दिक्कतें भी ट्रैफिक से जुड़ी हो रही हैं। तो दोनों पहलू हमने आपको दिखाए, इस बदले हुए मौसम से एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो दूसरी तरफ तपती गर्मी से राहत लोगों को मिली है, जिसका लुत्फ आज लोग उठा रहे हैं।